अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपको हम जो अपने परिंदों को डाइट देते हैं दाने में सिर्फ, तो वो दाना बताने जा रहे हैं कि गर्मियों के हिसाब से मैं इस दाने को बनाता हूँ जिसके अंदर जो थोड़ी बहुत चीज़ें मौजूद हैं। तो पहले मैं आपको दाने के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिला करके मैं अपने परिंदों को इस वक्त गर्मियों के सीज़न में या जो भी नॉर्मल सीज़न में इसमें दाना दे रहा हूँ। वैसे तो मेरे परिंदे इतना दाना उठाते नहीं हैं क्योंकि मेरा ज़्यादातर ध्यान वेजिटेबल्स पे होता है, फ्रूट्स पे होता है और सॉफ्ट फूड पे होता है। फिर भी दाना तो रखा जाता है, तो जो दाना मैं रखता हूँ गर्मियों में वो आपको दिखा रहा हूँ, तो वो दाना आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपके पास मौजूद है इस टाइम छोटा वाला सनफ्लावर जो सूरजमुखी कहलाता है, एक ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पर सूरजमुखी के जो बीज हैं ईरानी वाले, ये हो गए। अब ये ईरानी बीज के बाद आप आ जाएं, ईरानी बीज के बाद अब आती है बारी जई की, ये जई भी डालता हूँ मैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं, ये बाजरा मौजूद है, ये बाजरा लाड़काना वाला है, वो है नवाबचा, ये इस्तेमाल करता हूँ दाना। दाने के बाद ये भंग का बीज, भंग का बीज इसकी तासीर ठंडी है और ये तुखमे भंग भी कहलाया जाता है। इससे ये फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो सर्दियों में इसकी मकदार कम कर देते हैं, गर्मियों में ये है कि नॉर्मल रखते हैं। उसके बाद आ जाएं कंगनी, ये मोटी वाली कंगनी है, ये डाली जाती है। उसके बाद थोड़ी मकदार हम गंदम की भी डालते हैं, तो ये गंदम वैसे सॉफ्ट फूड में भी लिया जाता है लेकिन थोड़ा बहुत दाने के तौर पर भी मैं इनको दे देता हूँ। और उसके बाद आ जाएं आप, ये है खुर्दम, ये खुर्दम जो है ये समझ लें बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है परिंदों के लिए, तो ये ज़रूर ज़रूर अपने परिंदों को देना चाहिए दाने के अंदर, उसका आदि ज़रूर बनाना चाहिए। उसके बाद ये मकई आ गई है, ये कटर मकई कहलाती है, ये भी थोड़ी बहुत मैं दाने में ज़रूर डालता हूँ क्योंकि परिंदों को जितने भी बड़े परिंदे हैं, रिंगनेक हो गया, गिरे हो गया, प्लस आपका एलेक्जेंड्राइन हो गया, इनको चीज़ें कुतरने की आदत होती है, तो ये कुतरते भी रहते हैं इनको और खाते भी रहते हैं, तो इस वजह से ये इस्तेमाल किया जाता है। वैसे नॉर्मली हम जो है ना सॉफ्ट फूड के अंदर भुट्टे का इस्तेमाल रखते हैं अपने पास, हफ्ते में 2 सवा भुट्टा ज़रूर लगाते हैं अपने परिंदों को, तो उसके अलावा दाने में ये भी मिक्स किया जाता है। तो गर्मी का दाना तो मैंने आपको बता दिया है, गर्मी के दाने के अंदर गर्मियों में मैं ये दाना लगाता हूँ। वैसे तो मेरे परिंदे दाना कम उठाते हैं लेकिन फिर भी जो दाना लगाता हूँ वो दाना आपके सामने ये मैंने दे दिया है। अच्छा, सूरजमुखी के बीजों के लिए मैं आपको बताना चाहूँ कि गर्मी के अंदर सूरजमुखी के बीज की मकदार हम कम कर देते हैं, ईरानी बीज ज़्यादा गर्मी के अंदर टोटल बंद कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हुआ है, गर्मी और थोड़ा नॉर्मल मौसम हो गया तो उसके अंदर ये ईरानी बीज जो हैं ये भी दिए जाते हैं, ये थोड़ी मकदार इनकी डाल देते हैं हम लोग दाने में। ये दाने सारे इसलिए डाले जाते हैं कि अपने जब ये जंगली माहौल में होते हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये चीज़ें वो लेते रहते हैं। अब हमें नहीं पता हमारे परिंदों के अंदर क्या कमज़ोरी है, क्या कमी है, तो इस वजह से तमाम दाना ज़रूर डालना चाहिए। हाँ, गर्म तासीर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनकी मकदार कम कर देनी चाहिए, और गर्मियों में ख़ास कर लौकी अपने परिंदों को ज़रूर दें, ये फर्टिलिटी के लिए भी बहुत अच्छी है, प्लस इनके पेट की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए ये चीज़ मौजूद है और परिंदों का पेट भर जाता है। तो मेरे हिसाब से गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ्रूट पे और वेजिटेबल्स पे इनका फोकस रखें, दाना देखें जब परिंदों का पेट भरा होगा ना तो दाना वो बहुत कम उठाएगा, क्योंकि ये जितने भी वाले पैरासाइट्स हैं जिसमें रॉ आ गया, आपका रिंग नेक आ गया, इंडियन रिंग नेक और प्लस ग्रे आ गया, ये ज़्यादातर परिंदे फोकस करते हैं सॉफ्ट फूड के ऊपर, तो वो सॉफ्ट फूड से जब पेट भर लेते हैं ना तो दाना उठाने की उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो शाम में असर की नमाज के बाद या मगरिब
से पहले पहले तो ये दाना उठा लेते हैं थोड़ा बहुत जितना इनको उठाना होता है। तो अब ये तो आ गया गर्मियों के सीज़न का जो डाइट थी, जो इनका डाइट प्लान होता है गर्मियों का, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे ही विंटर स्टार्ट होने वाला होगा तो हम समझ लें कि नवंबर में जो दाना बनाएंगे इनका, वो दाना मैं आपको तफसीली तौर पर बताऊंगा कि सर्दियों में वो दाना किस तरीके से बनाया जाएगा, किन किन चीज़ों की मकदार कम की जाएगी और किन चीज़ों की मकदार इनमें ज़्यादा की जाएगी। अब जैसे ही सर्दी आ जाएगी तो ये सनफ्लावर जो बीज हैं इनकी मकदार बढ़ जाएगी, ईरानी बीज की मकदार बढ़ जाएगी, ये भंग की मकदार बिल्कुल कम हो जाएगी। समझ लें कि 5 किलो दाने के अंदर बामुश्किल 1 पाव भंग के बीज जो हैं ये तुख्मे भंग जो कहलाते हैं ये डाले जाएंगे। तो ये तफसीली वीडियो फिर इंशाल्लाह सर्दियों के जो डाइट प्लान होगा उसकी आपको जैसे ही सीज़न स्टार्ट होने वाला होगा, मौसम जैसे ही चेंज होता है, विंटर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस दाने की वीडियो आपको तफसीली तौर पर बता दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर बताऊंगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह दालें मौजूद होंगी कि कौन कौन सी दालें हैं जो सॉफ्ट फूड के तौर पर मैं अपने परिंदों को देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सॉफ्ट फूड के ऊपर बनाएंगे। उसके बाद जो आने वाले वक्त में किस तरीके से इनको हम अपने परिंदों को वेजिटेबल देते हैं, किस तरीके से अपने परिंदों को फ्रूट देते हैं, उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और किन किन दिनों में क्या क्या चीज़ें इनको दी जाती हैं, हफ्ते में कितनी दफ़ा इनको वेजिटेबल दी जाती है, हफ्ते में कितनी दफ़ा इनको फ्रूट दिए जाते हैं, हफ्ते में कितनी दफ़ा इनको दालें दी जाती हैं, वो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जैसे जैसे हम अपने परिंदों को जो डाइट देते हैं और जिस तरीके से देते रहेंगे वो आपसे शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में बिल्कुल हमें याद रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अगर हमारा चैनल आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।